मकर संक्रांति का पर्व भगवान सूर्य की उपासना का पर्व है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने, पवित्र नदियों में स्नान करने और तिल गुड़वा खिचड़ी दान करने की परंपरा है। इसके साथ ही मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की भी परंपरा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। मकर संक्रांति के दिन आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा होता है। पतंग को भारतीय संस्कृति में स्वतंत्रता, उन्मुक्तता और शुभता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इसके साथ ही मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का संबंध भगवान श्री राम से जोड़ा जाता है। आइए हम आपको बताते हैं इस कथा के बारे में। दरअसल मकर संक्रांति शीत ऋतु की समाप्ति और बसंत ऋतु के आगमन पर मनाई जाती है। सभी लोग इस काल जाड़े की शिथिलता और आलस्य को त्याग कर हर्षोल्लास के साथ भरे होते हैं। पतंग का संबंध भी उन्मुक्तता और उल्लास से ही है। लेकिन इसके साथ ही मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का संबंध भगवान श्री राम से भी जुड़ा है। जनश्रुति के अनुसार रामायण काल में मकर संक्रांति के दिन प्रभु श्री राम ने अयोध्या वासियों के उल्लास और सुख की कामना से पतंग उड़ाई थी। वो पतंग उड़ते उड़ते इंद्रलोक पहुंच गई थी। इंद्रलोक में जब इंद्रपुत्र जयंत की पत्नी को यह पतंग मिली, जयंत की पत्नी पतंग को देखकर प्रसन्न होने लगी। उनके मन में पतंग उड़ाने वाले की प्रति कौतूहल जागने लगा। उन्हें लगा कि पतंग उड़ाने वाला इसे लेने जरूर आएगा। लेकिन श्री राम ने पतंग लाने के लिए पवन सुत हनुमान को भेज दिया। कहते हैं इंद्रलोक में हनुमान जी को देखकर जयंती की पत्नी ने पूछा कि क्या ये पतंग आप ही उड़ा रहे थे। तब हनुमान जी ने कहा कि नहीं, पतंग उनके प्रभु श्री राम ने अयोध्या वासियों के आग्रह पर उड़ाई थी। इस पर जयंत की पत्नी ने प्रभु श्री राम के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। हनुमान जी के आग्रह पर भगवान राम ने जयंत की पत्नी को दर्शन दिए और उनको जीवन में सुखता और मंगल का आशीर्वाद भी दिया। मानता है कि इस दिन से ही मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा चली आ रही है। इसी के साथ ही मकर संक्रांति पे जगह जगह लोग पतंग उड़ाते आपको दिख जाएंगे। पतंग की दुकानें पतंगों से सजी हुई हैं। तरह तरह की रंग बिरंगी पतंगे दिखाई पड़ रही हैं। लोग लगातार पतंगे ले रहे हैं और मकर संक्रांति का पर्व मना रहे हैं। इस कथा के माध्यम से आज SMN आपको यह बताने का प्रयास कर रहा है कि मकर संक्रांति का यह पर्व कितना प्राचीन है। साथ ही साथ पतंग उड़ाना भी मकर संक्रांति पर शुभ माना गया है। SMN के लिए मैं गौरव द्विवेदी अनुपम व आकाश बारी के साथ।